आइए सुनते हैं दीपावली पर्व पर एक दिल को छूने वाली शानदार कहानी। एक गरीब बच्चा रेलवे स्टेशन पर खेल रहा था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, काला चेहरा और पाँव में पुराने चप्पल। खेलते खेलते अचानक उसका एक चप्पल टूट गया। वो अपने इस चप्पल को ठीक करने में लगा हुआ था, तभी उसने देखा कि कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर आए और वहाँ बनी बेंच पर बैठ गए। उसने देखा कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ आया हुआ था। उसके पाँव में एक शानदार ब्लैक कलर के काले रंग के नए चमकदार बूट पहने हुए थे। उसने देखा कि वो बच्चा एक बूट को बार बार पहन रहा था, उतार रहा था, पहन रहा था, उतार रहा था। उसे लगा कि वो बूट उसके पाँव में बरोबर आया नहीं है, इसलिए बार बार उसको पहनने में दिक्कत हो रही है। तभी अचानक ट्रेन आई और सब लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। उसके पिताजी तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन वो बेटा ट्रेन में जल्दी चढ़ने के चक्कर में उसके पाँव का एक बूट वहीं प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा मेरा बूट, पापा मेरा बूट। और जब उस गरीब बच्चे ने ये देखा तो वो दौड़ पड़ा। उसने बूट को उठाया और ट्रेन के पीछे भाग पड़ा। भगते भगते जब उसे लगा कि वो ट्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उसने दूर से ही उस बच्चे की ओर वो बूट फेंक दिया। लेकिन संयोग ऐसा बना कि वो बूट ट्रेन तक पहुंच नहीं पाया और ट्रेन से पहले ही गिर पड़ा। और ट्रेन में खड़े उस बच्चे ने जब ये देखा तो पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने अपने पाँव में पहना हुआ एक बूट वो भी निकाला और वो भी उस गरीब बच्चे के सामने फेंक दिया। ये देखकर उसके पिताजी चौंके, पूछा, बेटा ये तो नहीं क्या कर दिया। बेटे ने कहा, पिताजी मेरे पाँव में पहना हुआ एक बूट ये तो मेरे काम नहीं आ सकता। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बूट भी उस बच्चे के सामने फेंक दूं, ताकि कम से कम उस गरीब बच्चे के तो ये बूट दोनों काम आ जाएंगे। जब पिताजी ने ये सुना तो पिताजी ने बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तूने ये काम करके मेरा दिल खुश कर दिया है। अरे दीपावली तो 2 दिन बाद आएगी, पर तूने जो ये उस गरीब बच्चे को खुशी देने का काम किया है, उसे देखकर मुझे अभी ही दिवाली जैसी खुशी का अनुभव हो रहा है। इसे कहते हैं जीवन की खुशी का राज। इस दीपावली पर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में भी खुशियों का सवेरा फैलाएंगे, खुशियों का उजाला लाएंगे और अपने आसपास जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में भी खुशियों का सवेरा फैलाएंगे, खुशियों का उजाला करेंगे। याद रखना, वो लम्हा तो प्रभु की प्रार्थना का होता है जब हमारे हाथ प्रभु के आगे झुक जाए, पर वो लम्हा भी प्रभु की प्रार्थना का ही होता है जब ये हाथ किसी और के काम आए। फूलों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। आपके दिल की चुभन दूर होगी और दिल में खुशियां बढ़ेगी। बस किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, बस किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो।